स्टार प्लस पे आने वाला सीरियल अनुपमा को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है और इतने कम समय में ही ये सीरियल दर्शकों की पसंद बन गया है। तो वहीं सीरियल में समर का किरदार निभा रहे अभिनेता पारस कलनाथ के किरदार को बहुत पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पारस को ये शो देने से पहले टीवी के 5 मशहूर और सितारों को ये शो ऑफर हुआ था, लेकिन उन 5 मशहूर सितारों ने इस शो को ठुकरा दिया। फिर जाकर ये शो पारस कलनाथ के हाथ लगा। तो आइए आप सबको बताते हैं कि कौन है वो 5 सितारे जिन्होंने इस किरदार को मना कर दिया। नंबर 1 पे आते हैं टीवी के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले सिविन नारंग। इनको भी ये शो ऑफर हुआ था और इन्हें भी समर का किरदार निभाने का मौका मिला था, पर ये उस वक्त अपने सीरियल बेहद 2 के शूटिंग में काफी बिजी थे, इसलिए इन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया। नंबर 2 पे आते हैं टीवी के जाने पहचाने अभिनेता जय सोनी। इनको भी अनुपमा में समर का किरदार निभाने का मौका मिला था, पर इन्होंने भी इस किरदार को ठुकरा दिया। नंबर 3 पे आते हैं रणदीप राय। जी हाँ, आप सबके समीर। इनको दर्शक एक बार फिर से टीवी पे देखना चाहते हैं, पर इन्होंने भी इस किरदार को करने से मना कर दिया। और इसका कारण बताते हुए रणदीप ने ये कहा कि अब वो टीवी सीरियल की दुनिया से दूर रहना चाहते हैं। इस कारण से उन्होंने भी समर के किरदार को ठुकरा दिया। नंबर 4 पे आते हैं सीजान मोहम्मद। आप सभी ने इन्हें हाल ही में आए सीरियल नजर 2 में देखा होगा। इन्होंने भी समर का किरदार करने से मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने उस वक्त नजर 2 को साइन कर लिया था। और नंबर 5 पे आते हैं सुमेध मदगलकर। इनको भी समर के किरदार को निभाने का मौका मिला था, लेकिन ये पहले से ही सीरियल राधा कृष्ण में इतने बिजी हैं कि इन्हें किसी और सीरियल के लिए टाइम ही नहीं है। अपने बिजी शेड्यूल को देखते हुए सुमेध ने इस किरदार को करने से साफ साफ इनकार कर दिया, और ये किरदार तब जाकर पारस कलनाउत के हाथ लगा। आज पारस कलनाउत को समर के किरदार में खूब पसंद किया जा रहा है। तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पारस आप सबको समर के किरदार में कैसे लगते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।